गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार, सुप्रभात। कल हम मेरा सुन कर रहे थे और मेरा में थोड़ा बाकी रह गया था और मेरा को आज दोबारा करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इस बात को। मेरा का जो परिचय है वो तो परिचय में पढ़ लिया था, फिर भी सुन लो। मेरा भाई का जन्म कुर्की गांव में हुआ था, कुर्की जो मेवाड़ के अंदर है, मारवाड़ की डिंडोरी, और मेवाड़ में शादी हुई थी। मारवाड़ जो जोधपुर और क्या नाम पाली वाला क्षेत्र है, मारवाड़ बोलते हैं, मेवाड़ आप जानते हो, मेवाड़ के अलावा भीड़ बड़ा चित्तौड़गढ़ जो आता है वहाँ पर शादी हुई थी कुर्की गाँव में। और 1498 में इनका जन्म हुआ और 1546 इनका देहावसान हुआ था। इनकी जो रचनाएं है वो है मेरा पदावली के नाम से मिलती है और दूसरी नरसिंह और माहिर ये मिलती है। इनको भक्ति काल की सगुण भक्ति के व्यक्ति माना गया है और कृष्ण की उपासना होने के कारण सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव कहीं कहीं मिलता देखने मिलता है कब है वे। और विशेष रूप से इन्होंने इनकी जो भक्ति है माधुर्य भाव की थी, माधुर्य भाव को कहलाता है जिसमें कोई भी भक्त होता है या भक्ति करता है अपने परमात्मा की, उसमें परमात्मा को अपना पति मानता है और पति मान करके जो भक्ति करता है उसको माधुर्य भाव कहा जाता है। तो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। बचपन से उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना रह चुकी थी, अर्थात शुरू से ही बचपन से ही क्या नाम के पति का आकर्षण था और कृष्ण को पति के रूप में मानती थी, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य पति मानते थे और जीवन भर जिंदगी भर उनको आराध्य अपना जो क्या नाम से परमात्मा और अपना पति को मानते थे। अन्य भक्तिकाली कवि मीरा ने देश में तो यात्राएं की, अर्थात काफी यात्राएं किए, वृंदावन गई, वहां से काशी गई, वहां से वापस आ गई, रात्रि के नाम से ये अपने गुजरात में ना गुजरात के अंदर द्वारिका चली गई और अंत समय अंदर द्वारिका में बीता और द्वारिका के अंदर ही कृष्ण की जो मूर्ति है उसमें ये समा गई। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कृष्ण की बात मेरा चित्तौड़ में जब आई और जो आकर जी के नाम से वो जो भक्ति करती थी, शाम सुनकर के साथ बैठती थी, बाहर जाना वगैरह चल रहा था राज परिवार में, उन्होंने इनको काफी कष्ट दिया, घर का पहला भेजा आराम से पौधा भेजा पाने के लिए, लेकिन ये घबराई नहीं। और कृष्ण भगवान की जो क्या नाम से आशीर्वाद है उनको बना रहा था तो ये वापस वहां से मेड़ता है, मेड़ता उनका क्या नाम से पीड़ था। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा, फिर वहां सीधी वृंदावन चले गए जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे। पता है आपको तो जानते हैं जिन्हें वो जीवन के अंतिम दिनों में उपवास करवाते थे और जो अंतिम समय था इनका, इनका अंतिम काल था, अंतिम काल में भगवान द्वारिका गए थे। वृंदावन से बाद में देखा हुआ आपने क्या नाम से पढ़ा हुआ सुना होगा, कृष्ण का भी जो अंत है वो क्या नाम द्वारिका में ही गुजरा है। तो द्वारिका चली गई और वहीं जाकर के ये क्या नाम से उनकी मूर्ति है रणछोड़ जी, रणछोड़ जी बोलते हैं कृष्ण को, तो उनकी मूर्ति में समाहित हो गई। इस प्रकार से उनका जो अंत हुआ, उन्होंने लोग लाज और कुर्ती मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और लेकर बंदों को हमेशा अवगत किया। पता लोग कहते थे कि साहब मेरा भाई तो राज परिवार से है और राज परिवार से होने के पश्चात भी आज भी क्या नाम से साधु संतों के साथ बैठती है, क्या नाम से भगवान के बारे में चर्चा करती है, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये कहती थी कि वो ठीक हो या ना हो वो उसकी परवाह नहीं करती है ना, उसका काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आराध्य करना, क्या नाम आराधना करना, ये काम और वो करती रहेगी, कोई चिंता नहीं उसको ना, तो इस प्रकार से वो करती रही। और प्रदा प्रथा का भी पालन नहीं किया जो राजपूत समाज में, राजपूत परिवार में या हमारे जो इधर राजस्थान में प्रदा प्रथा होती है, घूंघट प्रथा वो खास रूप से मानी जाती है, लेकिन उसका भी विरोध किया उन्होंने, बिना पर्दा के रही। मंदिर में सारे रूप से नाचने गाने में कभी किसी महसूस नहीं की, और जो कृष्ण का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, वहां पर जाना, वहां पर नाचना गाना है, इस प्रकार का काम का चलता रहा। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा गया है, सत्संग में बैठना, महापुरुष जो थे संत महात्मा होते हैं, बड़े जो क्या नाम से ज्ञानी लोग होते हैं, उनके साथ बैठना ज्ञान प्राप्त होता है, है? अगर आप ज्ञानियों के पास बैठे तो ज्ञान प्राप्त निश्चित रूप से मिलेगा और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अर्थात ज्ञान से ही हमको जीवन में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, जानवर और इंसान में क्या अंतर है, इंसान ज्ञानी होता है इसलिए वो ज्ञानियों के साथ बैठ करके अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अपने इन मान्यताओं को लेकर हुए दृढ़ निश्चय किया, अर्थात वो पक्की थी, पक्का इरादा था उसको कि मुझे तो अब संत महात्माओं के साथ बैठना है, उनके साथ संवाद करना है, वार्तालाप करनी है, परमात्मा के बारे में बातें करनी है। निंदा या बंदगी उनको अपने पसे नहीं कर पाए, अर्थात कोई निंदा करे, कोई बंदगी करे, कुछ भी करे, उसकी परवाह नहीं है। कोई दो लोग कुछ करे हैं, कहने दो, लेकिन जो उसने ठान रखा, जो उसने करना है वो करना है। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, अर्थात जो बात उसको अच्छी लगी, जिस बात पर उसने विश्वास किया उस पर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको अमल किया, उसको आराम से काम को किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उठ गई, अर्थात मीरा बाई के नाम से समाज के अंदर आई और समाज में आकर के और महिलाओं की जो मुक्ति है, महिलाओं की जो आजादी है, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, उसकी बात उसने कही। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, अर्थात जो कविता पढ़ते हैं अपन, जो पद पढ़ते हैं, उसके अंदर इनकी जो गंभीरता है, क्या नाम से प्रेम की, अर्थात गहरा प्रेम की कविता में देखा जा सकता है। और मिलन का उल्लास भी है, आपस में मिलना जुलना कि क्या नाम से वो अच्छा रहता है उसके लिए ना। मीरा की कविता का क्या नाम से प्रधान सादगी सरलता, अर्थात जो भी कविता लिखती है, जो भी बात लिखती है, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में लिखती है। जो भी भाषा है इनकी बिल्कुल सीधी है, सरल है, इतना कोई कठिन नहीं है। राजस्थानी भाषा है, गुजराती भाषा है, कुछ शब्द उसमें है, वैसे थोड़े शब्द के हैं, ब्रज के शब्द भी आप इसमें देख सकते हैं और अवधि के शब्द भी इसमें देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इनकी जो कविता है बहुत सादगी और सरलता से लिखी गई कविता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। कला का अभाव मतलब उन्होंने फालतू चीजें नहीं दी कि जबरदस्त क्या नाम से अनुप्रास अलंकार डाल दिए हो या रस डाल दिया हो या छंदों का प्रयोग किया हो। जैसा मन में आया, जैसे दिल में आया, जैसा हृदय में आया उनको, वैसी बात उनके मन के अंदर थी, वही बात उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने मुक्त गए पदों की रचना की, अर्थात जो गाते हैं, जिसको आराम से गाते हैं, आजकल बहुत सारे जो गायक कलाकार हैं हमारे, वो इनके पदों को गाते हैं और लखपति करोड़पति बन गया, आपको पता है कि जो है मेरा के जो पद है उनके भजनों के रूप में गाते हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है, अर्थात जो भी वो गीत गाती है वो क्या नाम से जो उनके जो लोक संगीत में भी हम गीत गाते हैं उनके मिलते हैं। और शास्त्रीय संगीत जो शास्त्र होता है ना, हमारा जो होता है क्या नाम से शास्त्रों में लिखे गए, तो दोनों क्षेत्रों में ये पद आज भी गाए जा रहे हैं, अर्थात लोग भी गाते हैं और क्या नाम से जो अच्छे कलाकार है जो क्या नाम से शास्त्रीय संगीतों को देकर के और वो भी गाते हैं है? तो उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा दोनों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है, अर्थात राजस्थानी भाषा में ही उनके जो पद है, उनके जो लोकगीत है वो गाए जा रहे हैं। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों की प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी होते हैं क्या नाम है, मुस्लिम धर्म मुस्लिम संत, उनको हिंदी के अंदर सूफी बोलते हैं। सूफी और संत, संत होते हैं हिंदुओं के अंदर सनातन धर्म में जो क्या नाम से भगवान के भक्ति में ध्यान लगाते हैं, भगवान की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और सूफी होते हैं क्या नाम से मुस्लिम जो धर्म गुरु जो क्या नाम से अल्लाह में जो उनका भगवान है, परमात्मा है, उसके अंदर अपना ध्यान लगाते हैं, उनको बोलते हैं सूफी। तो सूफियों का प्रभाव भी उनकी कविता में देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, अर्थात जहां देखो वहां दर्द है, आंसू है, पीड़ा है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र, अर्थात कोई भी दुनिया के अंदर उनका जो उनका शत्रु है चाहे मित्र है, कोई भी उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनके क्या नाम को कोई पहचान नहीं पाया आज तक, है ना। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है कि आप मेरे हैं, है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अर्थात मेरे तो कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तथा वेद के कार्यों में लोगों के प्रति दुख प्रकट किया, अर्थात जो लोग भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, भगवान में क्या नाम से पूजा पाठ या भक्ति नहीं करते हैं, उनसे थोड़ी नाराजगी होगी है। और जो भक्ति करते हैं, जिनकी भगवान में क्या नाम से आस्था है, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं, ऐसे लोगों के से मिलकर के उसके मन में खुशी होती है। दूसरा पद जो है उसमें प्रेम परस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है, अर्थात उसके लिए और फालतू चीजें हैं, जो सारे रीति रिवाज है, सारे पर्व है, सारे त्योहार है, वो बेकार है। कृष्ण के भक्ति में, भगवान की भक्ति में वो कुछ भी कर सकती है, भगवान ही सब कुछ है उसके लिए। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावती से लिए गए हैं।
था जो गौतम गोस्वामी जी कवि थे, उन्होंने क्या नाम से मेरा की जो मुक्तावली थी मेरा किताब थी उससे लिए है। बड़े अच्छे पद है। पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है, अर्थात मेरा क्या कहती है, आपको जानते हैं कि मेरा ने कृष्ण को अपना पति माना और अपना पति मान करके पति समझ करके उनकी भक्ति की है, और उनके कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है इस संसार के अंदर, न मित्र है न शत्रु है न कोई नहीं है उनका, उनका तो है वो है केवल कृष्ण, और कृष्ण की भक्ति में वो पूर्ण रूप से समर्पित है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, अर्थात मेरे तो कृष्ण ही है, गिरधर होता है जो पर्वत उठाने वाले हैं, गोपाल कृष्ण का नाम है, कृष्ण के अनेकों नाम है, सैकड़ों की संख्या में नाम है कृष्ण के, तो वही है, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, अर्थात मैं तो कृष्ण को मानती हूँ, कृष्ण ही मेरे हैं और उनके अलावा मेरे दुनिया में कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुई, अर्थात जिनके सिर पर, जिनके क्या नाम से माथे पर मोर मुकुट, और जो राजा होते हैं जो जो भी होते हैं वो तो सोने के चांदी के नाम से मोर मुकुट धारण करते हैं लेकिन कृष्ण तो मोर मुकुट पहनते हैं, मोर का मुकुट, मोर के जो पंखों का ये क्या नाम से मुकुट है वो बना करके उसको धारण करते हैं। वह मेरा पति सोई, ऐसा कृष्ण जो ऐसा व्यक्ति हो जिनका वो मेरे पति है, मेरे पति कहलाते हैं, वही है। बात समझ आई? जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात जो हमेशा अपने सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट पहनते हैं, धारण करते हैं, मेरा पति सोई हुआ, मेरे पति है, मेरे पति स्वरूप में है, मेरे पति के रूप में है, ठीक है। छोड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, अर्थात अब जब मैं कृष्ण की भक्ति में लीन हूं, या कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण अपने हैं, कृष्ण को पति मान लिया है, सर्व स्व सब कुछ जो मेरे जीवन का था उनको अर्पित कर दिया है, छोड़ दे कुल की कहानी, अर्थात मैंने अपने कुल की परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है, तो कहानी होती है कुल की कहानी, कहानी होती है मर्यादा परंपरा रिवाज, ये सब त्याग दिया है मैंने। लोग कहते हैं ना साहब ऐसा कर रही हो कर रही हो, कोई परवाह नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने छोड़ दे, छोड़ दी, त्याग दिए कुल की कहानी, कुल मतलब परिवार, परिवार की कहानी मतलब परंपरा रीति रिवाज छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अर्थात मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कहा करी है कोई, अर्थात कोई मतलब कोई भी, कहा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कहा करी है कुछ भी कह सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, दो शब्द अर्थ होते हैं, कहा करी है कोई, अर्थात मेरा कुछ भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात जब मैं खुद स्वयं इस बात की घोषणा कर रही हूँ कि छोड़ दे कुल की कहानी, अर्थात मैंने अपने परिवार की दुकान को, परिवार के रिवाज को, परिवार की परंपरा को, परिवार की जो भी है उसको त्याग दिया है, कहा करी है कोई, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। संतन ढग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब क्या करना है मेरा का, बस घूमना फिरना, इधर से उधर जाना, साधु संतों के साथ बैठना, विचार करना, परमात्मा की बातें करना, परमात्मा की चर्चा करना, ये काम रह गया है। तो कहती है कि संतन ढिग, ढिग होता है पास में, साथ में, अर्थात मैं साधु संतों के साथ बैठती हूँ, अच्छे लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बैठती हूँ, लोक लाज खोई, चाहे कोई उसको कुछ भी कहे, लोक लाज का खोना कहे उसको, लोक लाज होती है जो मर्यादा होती है, जो परंपरा होती है, लोक संसार सामान्य जो लोग हैं, लाज मर्यादा इज्जत खोए मतलब खोना, अर्थात खो दिया है, जब खो दिया है तो कोई कुछ भी कहे उसका कोई मेरे पर असर होने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए अब मैं साधु संतों के साथ बैठती हूँ और क्या नाम से हर के बारे में, भगवान के बारे में, मेरे पति है कृष्ण उनके बारे में चर्चा करती हूँ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोले बोली, अर्थात भगवान के विरह में, भगवान के साथ जो उनका मिलन हो रहा है, हमारे यहाँ रहस्यवाद होता है, रहस्यवाद में तीन चार बातें होती है, उसमें मिलन होता है, उसमें विरह होता है, उसमें जिज्ञासा होती है, मिलने की होती है, तो इस प्रकार से जो विरह है, और विरह में उसने अश्वन उनकी याद में रो रो करके क्या नाम से आंसुओं के जल से निकाल निकाल के, आंसू निकाल निकाल के, और क्या नाम से प्रेम बोल, प्रेम रूपी बेल बो दी है, बेल होती है जो बेल होता है, एक पेड़ होता है, बेल चलती है ना बेल, तो बेल को बोया है अश्वन जल, अर्थात आंसुओं के जल से सींच करके, अर्थात
प्रेम में रो करके, प्रेम में आंसू बहा करके, विरह में रो करके, विरह में आंसू बहा करके, और मैंने क्या नाम से प्रेम प्रेम की जो बेली है वो बोई है, है? और अब बेल इतनी फैल गई है चारों ओर कि अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुए, अर्थात अब इतनी बेली फैल गई है कि अब मुझे जो रोई जो आंसू बहाए उसकी चिंता नहीं, उसका दुख नहीं है, है? अब तो आनंद ही आनंद है, परमात्मा का मिलन हो गया है, यानी परमात्मा का उसने पा लिया है, तो आनंद फल हो गई, या अब आनंद मुझे मिलने वाला है, आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होने वाला है, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हो गया, अर्थात बेल इतनी फैल गई है कि अब तो आनंद मुझे मिलेगा, आनंद ही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से मिलुई, अर्थात दूध हमारे यहाँ क्या नाम दूध जमाते हैं, मक्खन जो निकालते हैं उसका, तो दही जमाते हैं, मथनिया होती है मटकी के अंदर, है? तो मैंने दूध की जो मथनिया है दूध जमाया, और दूध जमा करके जो मक्खन है वो निकाला उसके दही से, है? प्रेम से बिलोए, मतलब बड़े प्रेम से, ऐसा नहीं कुछ आलस हो, बड़े प्रेम के साथ बिलोए, मतलब होता है बिलोना, उसको घुमाना, बिलोना मंथन करना, तो बिलोई है। और क्या किया है, दूध की मथनिया में दूध की जो जो दही की जो मटकी है उसको बिलो करके, उसको मंथन करके मैंने क्या किया है, दधि मथि घृत काढ़ लियो, अर्थात दधि उस दही से मथ करके, और घृत होता है घी, काढ़ के मतलब निकाल लिया है, अर्थात उस मटकी से मैंने दूध का, दूध से या दही से जमा हुआ है उससे घृत होता है घी काढ़ लिया है। दार दही छोई, और छोई होती है क्या नाम से ये मट्ठा जिसको बोलते हैं छाछ, अर्थात छाछ को उपयोग कर दिया है, छाछ को उपयोग कर दिया है, तो इस प्रकार से मुझे अब तो अच्छा आनंद ही मिलने वाला है, है? मतलब ऐसा काम किया है मैंने, जिस प्रकार से लोग क्या नाम से दही जमा करके, दूध को दही जमाना करके, और दही से मक्खन निकालते हैं मथ करके, है? और उस मक्खन को अलग कर लेते हैं, घी होता है निकल जाता है उसका, और छाछ को अलग कर देते हैं, अर्थात मैंने छाछ बिलो करके और क्या नाम से उसका मंथन करके और घृत घी निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई, अर्थात जहां भी भक्त लोग मिलते हैं, जहां भी भगवान की चर्चा होती है, जो भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, राजी हुई तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है, मेरा मन खिल जाता है उनको देख करके कि ये देखो भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान के को याद कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देख करके और मेरा मन बड़ा हर्षित होता है, राजी हुई प्रसन्न होता है, खिल जाता है। जगत देख रोई, और जो संसार के लोग हैं, जो संसार के जो लोग हैं, जो क्या नाम से भक्ति भाव नहीं करते, जिनका भक्ति भाव में रुचि नहीं है, परमात्मा की भक्ति में कोई आस्था नहीं है, है? जो केवल पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, खाए हैं, पिए चले गए हैं, भगवान को उनको बिल्कुल भी याद नहीं किया है, ऐसे लोगों को देख करके रोना आता है, मुझे दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है ना? तो ये बात है इसके अंदर। भगत देख राजी हुई, अर्थात भगत जो भक्ति करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान की चर्चा करने वाले, आराधना करने वाले, आस्था रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को देख करके और मैं क्या नाम से प्रसन्न होती हूँ। और जगत संसार है, अब संसार में सब तरह के लोग हैं, भक्त भी है, भक्त करने वाले भक्त भी है, नहीं करने वाले भी है, ऐसे भी जो खाते पीते उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिसको उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर अपने काम में निकलते हैं, है? दो तरह के लोग हैं, भक्त लोग भी है, संत लोग भी है, और क्या नाम से दूसरे लोग भी है। तो जगत संसार को देख करके, जगत को देख करके, और जो इनकी परमात्मा में रुचि नहीं है, भगवान में भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति क्या नाम से उनका वो आकर्षण नहीं है, ऐसे लोगों को देख करके मैं रोती हूँ, मुझे रोना आता है, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है ना। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई, अर्थात इतना कर रही हूँ कृष्ण के प्रति, कृष्ण में इतनी मेरी आस्था है, कृष्ण के प्रति इतना विश्वास है, कृष्ण के जो पति मान लिया मैंने है, और अपने पति के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ, है? तो दासी मीरा लाल गिरधर, अर्थात मीरा जो दासी है किनकी, लाल गिरधर, लाल को कृष्ण, गिरधर जिन्होंने पर्वत को उठाया है, गिरीश को क्या नाम से जो पर्वत को उठाया अपने उंगली पे, क्या नाम से आपको पता है कि काफी बारिश आई थी वहां वृंदावन के अंदर, और इंद्र के कोप से, और क्या नाम से उन्होंने क्या किया अपने ग्रामवासियों को बचाने के लिए, पूरे पर्वत भी वहां भी, तो वहां पर लोग यात्रा पे जाते हैं भी है, उसको उठा लिया और
वो कहती है कि तारो मोहे, इस प्रकार से जब आपकी हूं मैं, आप मेरे हो, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है, पूर्ण रूप से आपकी हूँ, समर्पण भाव से आपकी हूँ, आपके प्रति समर्पित हूँ, तो अब आप मेरा उद्धार कीजिए। तारो मतलब उद्धार करना, मुझे मुक्ति देना, मोक्ष देना, अर्थात अब आप मुझे मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए, मेरे जीवन को सफल बनाइए, मेरे जीवन को पवित्र बनाइए, मेरे जीवन में कुछ भी है उसको तार दो। है तारो अब मोही, अर्थात तारना मतलब होता है मुक्ति देना, मोक्ष देना, क्या नाम से जीवन को अच्छा बनाना, ये है। तो इस प्रकार का एक पद है इनका, आपको पढ़ लिया, कोई बात नहीं आई फिर पूछना मत। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मेरा नाची, अर्थात मेरा क्या करती है, पैरों में घुंघरू, घुंघरू आप जानते हैं जो नाचते हैं, नाचने वाले वो पैरों में बांध के और नाचते हैं, तो थोड़ा उनकी आवाज आती है अच्छा लगता है। मेरा कवाई कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और मैं नाच रही हूँ, नाची मतलब नाचती हूँ, और फंक्शन में नहीं, और रिवाज में नहीं, और किसी पर्व में नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति में कृष्ण के सामने ही नाचती हूँ, है ना। पग घुंघरू बांध मेरा नाची, घुंघरू होते हैं पैरों में बांधने के, है ना, वो पैरों में पग होता है पैर, पैरों में घुंघरू बांधना, मेरा नाची अर्थात मैं नाचती हूँ, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, अर्थात जो मेरे कृष्ण है, जो मेरे भगवान है, जो मेरे परमात्मा है, है? मेरा नारायण है, मेरे स्वामी है, मैं तो मेरे नारायण सु, अर्थात जो मेरे अपने है, नारायण भगवान परमात्मा स्वामी सनातन जो भी है, आप ही हो गई है साची, अर्थात अपने आप स्वयं ही उनके प्रति साची हो गई, सच में उनको मैंने अपना लिया है, सच में उनके प्रति समर्पित हूँ। तो ये बात है, और जब वो मिलते हैं, क्या मैं मिलते नहीं, मंदिर जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, और मैंने पैरों में घुंघरू बांध दिया है, और घुंघरू बांध के मैं उनके सामने नाचती हूँ। लोग कहे मेरा भाई बावरी, अर्थात संसार तो कहता है, दुनिया लोग तो जितने में उतनी बात है, क्या कहेंगे लोग, है कहने दो लोगों को जो भी कह रहे हैं। तो लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मेरा पागल हो गई है, मेरा क्या नाम बावरी हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और न्यात का समाज कहे कुलनासी, कुल होता है कुल का नाश करने वाला, है कुल पर धब्बा लगाने वाला, दाग लगाने वाला, अर्थात लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग तो मुझको बावरी बोलते हैं, कोई पागल बोलता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, अर्थात संसार में अनेक सारे लोग हैं, जितने लोग उतनी बातें, इसलिए उनकी बातों में मत आइए। न्यात कहे कुलनासी, न्यात होता है समाज, परिवार, कुटुंब, अर्थात कुटुंब के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, वो कहते हैं कि मेरा कुलनासी, इसने कुल पर धब्बा लगा दिया है, कुल पर दाग लगा दिया है, कुल को कलंकित कर दिया है, इसने ना कुलनासी बोलते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मेरा हंसी, इस प्रकार से जो उसको खत्म करने के लिए, मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, अपने परिवार से हटाने के लिए राणा जी ने क्या किया, जो विष का जहर का जो प्याला है वो उसके मेहर में भेजा, खाने में भेजा दिया, लेकिन मीरा ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, पीवत मीरा हंसी, मीरा हंसते हंसते पूरे क्या नाम से गिलास को पी गई, पूरा जो जहर का प्याला है वो पी गई है, और कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के आशीर्वाद से मीरा माई को कुछ भी नहीं हुआ है, वो वैसी की वैसी जैसी थी वैसी हो गई। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, जहर दिया है सांप का, वो क्या नाम से एक टोकरा भिजवाया, सांप निकला, सांप भी क्या नाम बिच्छू बन के निकल गया वहां है। तो इस प्रकार से उनको मारने का बहुत प्रयास किया राणा जी ने, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका, है ना। विष का प्याला राणा भेजा, था विष का जहर प्याला, जानते हो आप राणा जी, तो राणा जी तो आप जानते ही होंगे, भेजा मतलब भेजा, पीवत मेरा हंसी, और पीवत पीना मेरा मतलब मेरा भाई खुद, हंसी मतलब हंस करके, इस प्रकार से मेरा भाई हंसते हंसते वो जहर का प्याला भी पी गई, लेकिन कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के स्नेह से मेरा भाई को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसी थी वैसी वह हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्थात वो कहती है कि हे भगवान, हे मीरा के गिरधर नागर, है सहज मिले अविनाशी, अविनाशी जो भगवान अविनाशी है, हमेशा रहता है जीवन में, संसार में आया है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान है, आप सहज मिले, उनको दर्शन दे, और अपने दर्शनों से क्या नाम से मीरा का उद्धार करें, मीरा का क्या नाम से जीवन को मुक्ति दे, मीरा को क्या नाम से अपने साथ ले जाएं, साथ रखें, जो भी है, जो भी कर सकते हैं भगवान है। तो हे नागर, नागर होता चतुर भगवान कृष्ण, चालाक, चालाक भी होता है, चतुर भी होता है, और बुद्धिमान भी कहते हैं, अर्थात
मेरा के प्रभु गिरधर नागरदास, आप मेरा के बहुत ही बुद्धिमान भगवान है, सहज मिले अविनाशी, आप सहज रूप से आसानी से आप मुझे मिल जाइए। अविनाशी होता है के नाम से जो हमेशा रहने वाला है, सर्व विनाश में होता है जो हमेशा जीवन में रहता है। तो इस प्रकार से दोनों पद आपके पूरे हो गए हैं और पदों में तो करना आप इनके अर्थ कर लिखना है ना, प्रश्न को ज्यादा नहीं इसके अंदर, और अर्थ लिखना पहले है ना, अर्थ करने के पश्चात फिर हम देखेंगे आपको क्या करना है। ठीक है बेटा।